नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी 2023 की। मित्रों, प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, लेकिन वह अष्टमी जो तिथि हो वह रोहिणी नक्षत्र युक्त होना चाहिए। इस वर्ष बहुत सारे लोगों के मन में एक दुविधाजनक स्थिति बनी हुई है कि जन्माष्टमी 6 सितंबर को है या फिर 7 सितंबर, यानी कि बुधवार या फिर गुरुवार को। इस दुविधा को मैं क्लियर करता हूँ आप सभी के समक्ष और बताऊंगा कि कृष्ण जन्माष्टमी किस प्रकार से मनाना चाहिए, उस दिन क्या क्या करना चाहिए, व्रत के नियम इत्यादि क्या है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि की बात करें तो 6 सितंबर 2023 यानी कि बुधवार के दिन इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी का यह महान पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मित्रों, दो प्रकार की चीजें हैं, एक गृहस्थ जीवन और एक संत महात्मा यानी कि वैष्णवों के लिए। 6 सितंबर का जो दिन होगा वह गृहस्थों के लिए होगा और 7 सितंबर को जो जन्माष्टमी मनाई जाएगी वह साधु संत एवं वैष्णवों के लिए होगा। मित्रों, बात करेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी जो है उस दिन अष्टमी तिथि प्रारंभ कब हो रही है और उसका समापन क्या है, व्रत का नियम क्या है। कृष्ण जन्माष्टमी यानी अष्टमी जो तिथि है वह प्रारंभ हो रही है बुधवार के दिन दोपहर को 3:37 पर। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी जो कि गुरुवार, यानी कि गुरुवार के दिन यह जो तिथि होगी वह समापन होगी 4:14, यानी दोपहर को 4:14 पर इस तिथि का समापन होगा, यानी कि 7 सितंबर को। अब यहाँ पे नक्षत्र को भी देखना अत्यंत आवश्यक है। नक्षत्र जो है रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर को ही रहेगा। नक्षत्र कब प्रारंभ होगा, नक्षत्र का जो समय होगा रोहिणी नक्षत्र का 6 सितंबर को प्रातःकाल 9:22 पर यह रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा, जो कि 7 सितंबर को प्रातःकाल 10:25 तक रहेगा। अब रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी जो तिथि है वह रहेगी कब, 6 सितंबर 2023 यानी कि बुधवार के दिन रात्रि के समय 11:57 से लेकर और 12:42 तक का कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त। इसी समय भगवान नारायण स्वयं बाल कृष्ण के रूप में चतुर्भुजधारी अवतरित होते हैं और इस समय भगवान का पूजन करने से, जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास से मनाने से भगवान का 16 उपचार पूजन एवं अभिषेक किया जाता है। भगवान को तुलसी पत्र, भगवान को सुंदर भोग समर्पित किया जाता है और गाजे बाजे के साथ भगवान का स्वागत जन्मोत्सव मनाया जाता है और उस समय अभिषेक करने एवं भगवान को तुलसी पत्र समर्पित करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। और भगवान को भोग क्या समर्पित करना चाहिए, उस समय बालकृष्ण रूपी भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। अब मित्रों, व्रत का जो नियम है उसको जानना अत्यंत आवश्यक है। 6 सितंबर 2023 को प्रातःकाल स्नान ध्यान करके पूर्ण ब्रह्मचर्यता के साथ, यानी एक दिन पूर्व से ही ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया जाता है। 6 सितंबर को प्रातःकाल स्नान ध्यान इत्यादि करके भगवान का नाम स्मरण करते हुए व्रत रखें, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें या फिर ओम क्लिम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करते हुए अपना समय व्यतीत करें, पूरी तैयारी करें, भगवान का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं, भगवान का 16 उपचार पूजन और अभिषेक करें। दूसरे दिन जब भगवान का जन्मोत्सव हो जाता है तो उसके दूसरे दिन मटकी तोड़ने का बड़ा ही प्रचलन है, जोर शोर से गोविंदा पथक, यानी कि जो लोग हैं बहुत सारे लोग हर्षोल्लास के साथ टीम बनाकर और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दही हांडी यानी कि मटकी का कार्यक्रम करते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाते हैं। अब बात कर लेते हैं पारण का, व्रत तोड़ने का नियम, यानी व्रत जब संपूर्ण हो जाता है व्रत खोलने का जो नियम है वह कब है और कैसे करना चाहिए। तो व्रत खोलने का जो नियम है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि जो लोग गृहस्थ जीवन में है वह 6 सितंबर को व्रत रखेंगे और 7 सितंबर को प्रातःकाल
6:02 के बाद व्रत का पारण होगा, यानी उपवास समाप्त हो जाएगा और भगवान को भोग इत्यादि लगाकर और कुछ दान इत्यादि करने के पश्चात आप पारण कर सकते हैं, यानी व्रत को खोल सकते हैं। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।